कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों भारत सरकार दे उपर गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे ने। इल्जाम लगांदिया उन्हां दे वल्लों कहा गया कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर दी हत्या मामले दे विच भारत सरकार दा हाथ हो सकदा है, खदशा उन्हां दे वल्लों जाहिर किया गया। इस नाल ही उन्हां दे वल्लों संसद दे विच बयान दिता गया। उन्हां दा कहना है कि जिहड़े भी इल्जाम उन्हां दे वल्लों लगाए जा रहे ने उह उन्हां नूं खुफिया एजेंसियां दे मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उस ही आधार ते उन्होंने वालों यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि G20 के दौरान भी उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मुद्दा चुकया सी। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि कैनेडा सरकार के लिए कनेडियन नागरिका की सुरक्षा सब तो अहम है। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि कैनेडियन नागरिक की हत्या के मामले के विदेशी सरकारों की शमूलियत कैनेडियन सरकार की प्रभुसत्ता की उलंघना है। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि दोषियों को सजा दवाना उन्हों की प्राथमिकता है। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि वह भारत सरकार को जांच के सहयोग करने के लिए दबाव पाएंगे। इसके नाल ही उन्होंने वालों सारा बयान जोड़ा है अपनी संसद के दिता गया। भारत उपर गंभीर इल्जाम जोड़े ने उन्होंने वालों लगाए गए हैं। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले के भारत का हाथ होने की शक जोड़ा है उन्होंने वालों जाहिर किया गया। दस दिए कि बयान जोड़ा है उन्होंने वालों संसद के विच दिता गया। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि कैनेडियन नागरिका की सुरक्षा उन्होंने लिए सब तो अहम है। उत्थे दस दिए कि कैनेडियन सरकार के वालों भारतीय डिप्लोमैट को भी देश के विचों कढ दिता गया है। भारतीय डिप्लोमैट्स को भी जिहड़ा कैनेडा के विचों बाहर कढ दिता गया। उत्थे दस दिए कि जून महीने के विच सरी शहर के विच गुरुद्वारे की पार्किंग के विच खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर का कतल होया सी, जिस तों बाद कैनेडियन सरकार के वालों बयान जिहड़ा है दिता गया। उत्थे दस दिए कि भारत सरकार के वालों इन्हां इल्जामां नूं सिरे तों नकारिया गया। इस नाल ही उन्हां दे वल्लों कहा गया भारतीय विदेश मंत्रालय दे वल्लों इस मामले दे उपर बयान दिता गया, जिस विच उन्हां दे वल्लों कहा गया कि विदेशी मंत्रालय दे वल्लों कहा गया कि कनेडा दे वल्लों लगाए गए सारे आरोप बेतुके ने। इस नाल ही उन्हां दे वल्लों कहा गया कि इस तरह के इल्जाम उन्होंने पहला भी साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे से, जिन्हों पूरी तरह खारिज कर दिता गया। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि इस तरह बेतुके बयान बेतुके इल्जाम जड़े ने खालिस्तानी अतवादियों के चरमपंथियों तो ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि इन्हों लोगों को कनेडा दे विच पनाह देने दे नाल भारत की प्रभुसत्ता देश की अखंडता को खतरा पैदा हो रहा। उत्थे दस दिए कि इन्होंने इल्जामों तो भारत सरकार के वालों इनकार किया गया। इल्जाम जोड़े ने कैनेडा सरकार के वालों भारत सरकार के उपर लगाए जा रहे थे, जिस तो बाद भारत सरकार वालों भी बयान दिता गया, विदेश मंत्रालय के वालों बयान दिता है। इन इल्जामों सिरे तो खारिज किया गया। इस संबंधी होर खबर देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन।